स्वर्ण प्रश्न हमारे 16 संस्कारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत प्राचीन समय से ही 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें विवाह संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, गर्भधारण संस्कार है। उसी तरह से स्वर्ण प्राशन भी एक ऐसा संस्कार है कि जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ उनकी मेमोरी, उनके इंटेलेक्ट लेवल्स को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कुछ स्वर्ण औषधियां जो नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में डाली जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे इस तरह के टॉनिक्स या ब्रेन टॉनिक्स जिनको बोलते हैं, उसके साथ मर्ज करके जब ये औषधि बनाई जाती है और हर महीने एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र पर जब दी जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वर्ण प्राशन क्या है और इसको कब और कैसे दिया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। स्वर्ण प्राशन, जैसे कि मैंने बताया कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे आगे फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है, अगर हमारा बेस या फाउंडेशन या बच्चे जितना स्ट्रांग रहेंगे तो आने वाला समय उतना ही अच्छा होगा। बिकॉज जो आने वाला समाज या आने वाला समय है, वो स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं ये बच्चे, तो एक बेटर एनवायरनमेंट और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी या उनके इंटेलेक्ट लेवल्स या उनकी मेमोरी जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। या यूं कहें कि स्वर्ण प्राशन जो है एक बेहतर समाज को आगे बढ़ाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्वर्ण प्राशन जो है वो हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन दिया जाता है, और जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है एवरी मंथ ऑन पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र से शुरू करके आप इसको रेगुलर भी दे सकते हैं या बीच बीच में कुछ समय का ब्रेक भी दे सकते हैं। स्वर्ण प्राशन जो है ये बच्चा जितना जल्दी हम उसको शुरू करते हैं बच्चे में अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन यदि कोई महिला जहां वो गर्भवती है, 6 महीने से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है, वहीं से अगर स्वर्ण प्राशन शुरू कर देती है, तो वो और सोने पे सुहागे का काम करता है कि वहीं से जहां एक ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वहीं हमने उसको जब नरिश करना अच्छे से शुरू कर दिया या उसको हमने वहीं से बूस्टर डोजेस स्टार्ट कर दी, तो आगे आने वाले समय में बच्चे की एक तो बीमारियां भी कम होंगी, इसके साथ साथ यदि कोई कंजनाइटल लेवल पे भी अगर कोई इश्यूज हैं, तो ये उसको भी खत्म कर देता है। और जैसे कि बच्चे आजकल जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं या अपना फोकस पूरी तरह नहीं पढ़ाई में दे पा रहे हैं या किसी तरह का उनके एनर्जी लेवल स्लो रहते हैं, तो भी स्वर्ण प्राशन उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, ओवरऑल बच्चे का जो बिल्ड रहता है, उनकी हाइट, उनका कॉम्प्लेक्शन, ओवरऑल बच्चे का इंटेलिजेंस, उन सब को बहुत अच्छा करता है। तो स्वर्ण प्राशन जो है ना केवल ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छा करता है, बल्कि उसकी मेमोरी बूस्टर, उसके स्किल्स, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंसेस, इन सब को बहुत अच्छा करता है और एक बेहतर समाज और एक सुदृढ़ समाज की ओर जो है हमें लेकर जाता है। तो इसीलिए स्वर्ण प्राशन जो है एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन का एक बेस्ट वे है कि जो कि आपके बच्चे के हर तरह से जो है अटेंशन, फोकस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हेल्थ को अच्छा करता है। तो इसीलिए एक बेहतर समाज, एक सुदृढ़ समाज के लिए स्वर्ण प्राशन का ज़रूर आप उपयोग करें। अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक सेंटर में आप इसका जो है आसानी से पता करके जो है अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू नो मोर, या फिर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।